यूक्रेन को टैंक देने के पीछे अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड। यूक्रेन भेजे जाने वाले टैंक से हटाएगा सीक्रेट आर्मा। सीक्रेट आर्मा के हटते ही टैंक की ताकत हो जाएगी आधी। यूरेनियम से टैंक के लिए सीक्रेट आर्मा बनाया जाता है। सीक्रेट आर्मा से टैंक और घातक हो जाता है। क्या होता है ये सीक्रेट आर्मा? ये सीक्रेट आर्मा इन अफगान में नहीं होगा, इसका मतलब क्या है? और ये जो कहा जा रहा था, ये हमको कई तरह के स्टेटमेंट में दुविधाएं भी दिखाई दी, जिसमें एक पहले कहा गया कि हम आने वाले दिनों में जो टैंक्स बनाएंगे वो देंगे मौजूदा स्टॉक से नहीं, और फिर एक खेप रवाना कर दी गई। ये जो उहापोह दिखाई गई अमेरिका की तरफ से, ये क्यों थी? और ये बगैर आमा का, ये स्पेशल आमर जो होता है, इसके बगैर ये टैंक और इसके साथ ये टैंक, कितना बड़ा फर्क होता है? अगली खबर देखिए, लेपर्ड और अब्राम्स। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। को जवाब देने के लिए रशिया तैयार। रूस ने जारी किया अनमैन्ड वॉर व्हीकल का माकर रोबोट। माकर रोबोट को स्पेशल ऑपरेशन जोन में भेजने की तैयारी। लेपर्ड और अब्राम्स जैसे टैंकों को रोबोट से देगा जवाब। रूस के पूर्व डेप्यूटी पीएम दिमित्री रोगोजिन ने दी चेतावनी। किस तरीके का है ये? बगैर किसी सैनिक के, बगैर किसी व्यक्ति के चलने वाला ये रोबोट, जरा देखिए। और इससे टैंकों को दिया जाएगा जवाब। ये कहा जा रहा है कि अत्याधुनिक टैंकों को भी इससे किया जा सकता है ध्वस्त। सबसे पहले तो जरा ये गेम समझते हैं। बगैर आमा कर, बगैर वो यूरेनियम आमा स्पेशल आमा, सीक्रेट आमा, ये क्या है सर? और इसके बगैर क्या फर्क पड़ेगा? ब्रिगेडियर दत्ता, देखिए जिस तरह से अमेरिका ने यूक्रेन को ये कहा है कि हम आपको ये ए व्हीकल्स जो टैंक्स हैं ये देंगे, तो यकीनन है कि वो अपनी जो लेटेस्ट इन्वेंट्री है उसमें से तो देगा नहीं। या तो वो रिफर्बिश्ड टैंक देगा, या वो जो डायरेलेक्ट्स हैं उनको कैनिबलाइज करके उनको यूक्रेन को देगा। और जब आप इस तरह की आर्मर प्लेटिंग की थिनिंग शुरू कर देते हैं तो वो वल्नरेबल हो जाता है दुश्मन के जो एंटी टैंक मिसाइल्स हैं। और यकीनन वो अपनी जो पुरानी इन्वेंट्री है या जो उसकी जो डी इंडक्शन वाली स्टेज में इन्वेंट्री है उसको वो पाम ऑफ करने की कोशिश करेगा। तो ही इज अचीविंग टू नेम्स। एक तो वो उसका ये भी हो गया कि साहब मैंने आपकी सामरिक तौर पे मदद की, मदद दी, लेकिन और अपना अपना जो ऐसा माल था जो खपाया जा सकता है उसको खपा भी दिया गया, और उसका जो अपना अच्छा ए ग्रेड माल है उसने रखा रहा अपने पास। ये सीक्रेट आर्मर, लेकिन इसको लेकर खुद उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये सीक्रेट आर्मर वाले अब्राम्स नहीं होंगे। इसका मतलब बहुत जल्दी से समझता हूं जनरल मिस्टर, उसके फौरन बाद अचल सर मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए जैसे इन्होंने भी बताया ब्रिगेडियर साहब ने, खासकर आर्मर में अगर आप आर्मर प्रोटेक्शन के लिए तो आपको बहुत बेस्ट आर्मर लगाना पड़ेगा, और कई टाइप्स के होते हैं सीक्रेटिव आर्मर। तो जाहिर है कि जितना वो आप उस पर लगाएंगे उतना वो भारी भी हो सकता है और उसकी मोबिलिटी पे इफेक्ट हो सकता है। लेकिन मेरे को लगता है कि जहां तक ये बोल रहे हैं कि हम सीक्रेट आर्मर नहीं लगाएंगे तो फिर ये टैंक देने का तो मतलब ही नहीं है। नहीं, अभी इसको दूसरे तरीके से देख लेते हैं सर, कि आप नंबर ऑफ टैंक्स क्या दे रहे हैं और एक टैंक की अपनी स्पेशलिटी जो कि इससे समझा जाती है कि उसकी फायर पावर क्या है, उसका आमर कितना मजबूत है और उसकी इसकी स्विफ्टनेस कितनी है, वो कितनी मोबिलिटी कितनी उसकी है कि रफ्तार एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, इस हिसाब से अगर देखा जाए। बहुत जल्दी से आपसे समझना चाहता हूं, ये टैंक, नंबर ऑफ टैंक्स जो लगता है यहां पर पहुंचने वाले हैं मनीष झा, क्या ये यूक्रेन के लिए बहुत मददगार होंगे? देखिए चूंकि नंबर ऑफ टैंक्स ज्यादा नहीं है, अभी अमेरिका ने 30 देने का ऐलान किया है। मैं कहता हूं कि अगर आपने 300 भी दे दिया तो सामने में रूस के 10,000 टैंक हैं, और हो सकता है कि आपके टैंक भारी पड़ते हों, एक की जगह पर रूस के 10 टैंक हो, लेकिन उस हिसाब से भी कैलकुलेशन देखें तो 300 के मुकाबले 3,000, तब भी 7,000 एक्स्ट्रा टैंक रहेंगे, उससे आपको ध्वस्त कर देगा रसिया। क्योंकि हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए, हमने देखा है कि अफगानिस्तान में तो इन्हें अपने अब्राम टैंक्स को छोड़कर जाना पड़ा, तो जब तालिबानी इनसे नहीं डर रहे थे इन टैंकों से, तो आपको लगता है कि रशियन सेना जिनके पास 10,000 टैंक है, तमाम फाइटर जेट है, न्यूक्लियर वेपन है, वो क्यों घबराएंगे इनसे? राइट, अब ये भी समझ लेना चाहिए अचल सर, ये सब जो चल रहा है, कहा जाता है कि जो आप लड़ाई लड़ रहे होते हैं वो असल में युद्ध के मैदान में चल रही कूटनीति होती है। अगर ऐसा है तो यहाँ डिप्लोमेसी की दुनिया के लिए संदेश क्या है इस समय? कोई रास्ता आगे निकलता दिखाई दे रहा है? क्योंकि दोनों ही कह चुके हैं बातचीत नहीं करेंगे।
नहीं दिनेश, आज की तारीख में ऐसे कोई भी इंडिकेटर्स किसी भी तरीके से नहीं आ रहे जिससे लगे कि आने वाले दिनों में कोई बातचीत शुरू होगी। आपने जो पहले सवाल पूछे थे उसी की कंटिन्यूटी में मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस समय जो अप्रोच और एटीट्यूड दिखाई दे रहा है वेस्ट की तरफ से, वो तो डिसाइडेडली ये नहीं चाहेंगे कि यूक्रेन हार जाए, लेकिन यूक्रेन जीतने में कितना समय लगेगा इस बात की उन्हें परवाह नहीं है। उनका डेफिनेट इंटरेस्ट इस चीज़ में है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जितना प्रोलॉन्ग हो सकता है हो जाए, माइनस विक्ट्री ऑफ रशिया। रशिया जीतना नहीं चाहिए, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट प्रोलॉन्ग होता रहे जिससे रशिया कमज़ोर हो, अमेरिका की आर्म्स इंडस्ट्रीज को बूस्ट मिले, और इसमें अमेरिका का और कोई नुकसान नहीं है। राइट ये इस समय कूटनीति कह लीजिए या डिप्लोमेसी कह लीजिए, तो ऐसी हालात में बातचीत के लिए कोई संभावना ही नहीं है, उसमें कोई स्कोप ही दिखाई नहीं दे रहा। और जर्मनी के रिश्ते कितने खराब किए जा सकते हैं रशिया से, वो भी इसी क्रम में कर दिया जाए कि उनके रिश्ते ऐतिहासिक रूप से खराब हो जाए, शायद ये भी एक पर्पस हो सकता है। ये वैसे फ्रिंज वापस लाना है राइट, तो नेटो यूनिटी के कॉन्टेक्स्ट में राइट, आपके वेस्ट को रशिया से डिस्टेंसिंग करके वापस अपने फोल्ड में लाना है राइट, ये भी एक उनका शुरू से ऑब्जेक्टिव रहा है राइट, और किसी हद तक यू नो नेटो को एक साथ ले भी आए हैं जी इस यूक्रेन के प्रिटेक्स्ट पे, तो वहां तक उनकी थोड़ी बहुत बेडिन की कह सकते हैं कि सफलता ऑलरेडी मिल चुकी है। ये अपने गाँव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं, क्या आपको भी गाँव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।